सिवनी मालवा, धार्मिक हिंसा के बीच सलीम खान की कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। जहां एक तरफ कट्टरवाद है तो वहीं दूसरी तरफ सलीम खान जैसी शख्सियत भी है जो रोजे के साथ साथ भगवान की पूजन अर्चन भी करते हैं। सलीम खान, हमारी मुलाकात हुई सिवनी मालवा के नर्मदा मंदिर में। महाराष्ट्र के नासिक जिले के रहने वाले सलीम खान इन दिनों नर्मदा परिक्रमा पर निकले हुए हैं, जहां एक और सांप्रदायिक हिंसा का माहौल है, कट्टरवाद रहा है। ऐसे समय में सलीम खान मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। लगभग 3 महीने पहले ओमकारेश्वर से शुरू हुई मां नर्मदा की परिक्रमा में सलीम खान का पड़ाव सिवनी मालवा का नर्मदा मंदिर रहा। रमजान के माह में सलीम खान रोजे रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। सलीम ने बताया कि जब वे 11 वर्ष के थे तब आंधी की धूल उनकी आँख में चले जाने से आँख की रोशनी चली गयी। काफी इलाज के बाद भी उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। महामंडलेश्वर शांतिगिरी महाराज के कहने पर सलीम ने 21 दिन तक उपवास रखा और फिर 8 दिनों तक मौन धारण कर अनुष्ठान किया। इसके बाद एक सुबह जैसे जैसे भगवान सूर्य नारायण का आगमन होता गया, उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। सलीम ने बताया कि वे वर्ष 2007 में भी नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं, ये उनकी दूसरी परिक्रमा है। सलीम पठाने आप दूसरा कोई रख देंगे, कि उन्होंने मुझसे मना किया कि नहीं, तो सलीम पठान था, सलीम पठान रहेगा, तो नमाज भी पढ़ेगा, तो रोजे भी रखेगा और ये भी करेगा। अगर साधु संत के पास वेद होते 4, वो मेरा नाम बदलाव भी कर सकते थे, उनके पास भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया। तुझे जिधर रहना है उधर रह सकता, तू नमाज भी पढ़ेगा, सब दुनिया से बताएगा कि झगड़ा नहीं है, वेद वेद की जगह पर है, अपन अपनी जगह पर रहना चाहिए, झगड़े वाली बात छोड़ देना चाहिए। ये मैं सबसे विनती करूँगा।